हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे ओबीएस में जो यहाँ पे ब्लर कर देते हैं कैसे होता है वो ब्लर। जैसे अभी आपको कहीं कुछ यहाँ पे ये ब्लर करना है, जैसे ये सब नहीं दिखाना है, तो आप कैसे ब्लर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले से बंद करते हैं। यहाँ पे चले जाना क्रोम पे। यहाँ पे ये जो स्ट्रीम इफेक्ट्स है ना, ये ओबीएस की एक्सटेंशन है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा, आ जाओ यहाँ से, गो टू डाउनलोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिटहब का एक पेज ओपन कर देगा, तो जो भी कंपैटिबल आपको यहाँ से वो डाउनलोड करना है, जैसे विंडोज़, उबंटू, मैक ओएस, तो आपको डाउनलोड करना। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आपको अपने ओबीएस स्टूडियो को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही रीस्टार्ट करोगे आपको एक यहाँ पे एक और नया सीन क्रिएट करना है। फिर जैसे कोई भी, जैसे कुछ भी खोल लो आप, डिस्प्ले कैप्चर में खोल लेता हूँ। ओके, सो अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस। तो देखो अब हमारे पास ब्लर का ऑप्शन आ गया, वो जो एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी ना हमने, उसके बाद से ये ब्लर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ब्लर का ऑप्शन आ गया। देखो ये अब ये ब्लर हो गया, देख रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया। तो अब आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कितना ब्लर करना है हमें हम वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे अप्लाई जे मास्क, तो हम मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट एज पे कर देंगे। अब देखो ये लेफ्ट वाला थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अब टॉप से कर देंगे, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, पता चले। अब देखो एक कॉर्नर आ गया है ना। ठीक है, हम देखो इसको अब राइट से कर देंगे थोड़ा। ठीक है, अब बॉटम से कर देंगे, तो देखो ये पार्ट ब्लर हो गया। तो हो गया ये ब्लर, ये देखो ये ब्लर हो गया ना, अभी भी मतलब दिख नहीं रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।